हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले उत्तराखंड पोस्ट पर, साथ ही उत्तराखंड से जुड़े रोचक वीडियो देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। भारत माता की, भारत माता की जय उत्तराखंड। राज्य सरकार के 100 दिनों का कालखंड पूरा होने के बाद आज यहां पर लोकार्पण लाभार्थी सम्मान कार्यक्रम, इसमें हमारे अभी हम सब लोग जिनको सुन रहे थे, हमारे ग्राम विकास सैनिक कल्याण विभाग के मंत्री और शिक्षक कल्याण के प्रतिनिधि ने तमाम विभाग उनके पास आदरणीय गणेश जोशी जी मंच पर विराजमान, हमारे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री आदरणीय धन सिंह रावत, डॉक्टर धन सिंह रावत जी, कैबिनेट मंत्री रेखा अजय जी, हमारे बहुत वरिष्ठ विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय विनोद चौधरी जी, हमारे लोकप्रिय विधायक डॉक्टर सरिता कपूर जी, हमारे थरारी क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई गोपाल राम टंडा जी, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय राजेश शुक्ला जी, सामने बैठे हुए हमारे ब्लॉक प्रमुख बहन विनीता पटेल जी, भाई मनोज सिंह चौहान जी, अनिल कपूर जी, हमारे राजवर भाई, देवा भाई एवं पारसी जी समेत सभी आए हुए हमारे जनप्रतिनिधिगण, सभी हमारे विभागों से आए हुए सभी अधिकारीगण, हमारे अपर मुख्य सचिव श्री आनंद वर्धन जी एवं सभी सचिवगण, सभी अधिकारीगण, सभी उपस्थित इस कार्यक्रम में हमारे जिलों से प्रतिभाग करने वाले सभी उपस्थित, हमारे बड़े बुजुर्ग सभी उपस्थित, माताएं बहने मेरे सभी नौजवान साथियों उपस्थित, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं आपका मुख्य सेवक आज जनता की सरकार के सफलतापूर्वक 100 दिन पूरे होने पर आप सभी को बधाई देता हूं। मैं इस अवसर पर बाबा केदार, भगवान बद्री विशाल एवं देवभूमि के समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करता हूं। मेरे लिए उत्तराखंड की देवतुल्य जनता और इसका दायित्व तो ठीक उसी प्रकार से है जिसको निभाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, जैसे कोई अपने परिजन या अपने कुटुंब की सेवा करता है। और पिछले 100 दिनों का कालखंड सेवा का, समर्पण का, प्रयास का और संकल्प के 100 दिन रहे हैं। इन 100 दिनों में हम लोगों ने एक आधारशिला बनाने का प्रयास किया है, एक संकल्प के साथ जो विकल्प रही संकल्प लिया है, उस संकल्प पर आगे बढ़ने का हम सब प्रयास कर रहे हैं। मैं आज श्री गणेश जोशी जी को और उनके विभाग के सभी अधिकारियों को, सबको मैं बधाई देना चाहता हूं कि एक शानदार कार्यक्रम यहां पर लाभार्थी सम्मान कार्यक्रम आयोजन किया गया और इसमें आज टनकपुर एवं गोपेश्वर में बनाए जा रहे सैनिक विश्राम गृहों का आज यहां पर शिलान्यास किया गया। यह दोनों ही विश्राम गृह इन स्थानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सुविधाजनक होंगे, जो दूर दूर से हमारे सैनिक भाई जिनको अनेकों स्थानों पर जाना होता है, गोपेश्वर जैसे स्थान जो कि बीच में हमारे यहां पर, जहां एक तरफ भगवान बद्री विशाल है, जहां दूसरी तरफ भगवान केदारनाथ है और चार धाम यात्रा चलती है, ऐसे स्थान पर सैनिक विश्राम गृह बन जाने से
हमारे सैनिक भाइयों को निश्चित रूप से उसका बहुत लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से जो चंपावत के टनकपुर में बनने वाला सैनिक विश्राम गृह है, यह भी चूंकि यहां मां शारदा का तट है और मां शारदा के तट के साथ साथ यहां से मां पूर्णागिरी की यात्रा प्रारंभ होती है और जिसमें उत्तर भारत के, मैं कहूं कि हमारे उत्तराखंड के अंदर अगर सर्वाधिक श्रद्धालु एक वर्ष के अंदर कहीं सबसे ज्यादा आते होंगे और एक दिन में कहीं सबसे ज्यादा आते होंगे। तो मां पूर्णागिरी धाम में एक दिन में 1,00,000 तक श्रद्धालु वहां आते हैं और इतनी बड़ी संख्या कि पूरा जितनी भी बसें जाती हैं सारी फुल होती हैं, सारे ट्रैक्टर ट्रालियों की लाइन लगी होती है, मोटरसाइकिलों की लाइन लगी होती है, साइकिलों की लाइन लगी होती है और साथ में जो ट्रेन चलती है पीलीभीत से चलती है, लखनऊ से चलती है, सीतापुर से चलती है, हरदोई होते हुए जो ट्रेन टनकपुर तक पहुंचती है, उन ट्रेनों की पूरी छत भर भर कर आती है, जगह नहीं होती पैर रखने की। तो ऐसे स्थान पर सैनिक विश्राम गृह बनेगा जहां पर बनबसा कैंटीन के अंतर्गत ईसीएचएस, पॉलिटेक्निक, सीएसटी कैंटीन, स्टेशन मुख्यालय होने के कारण सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों एवं उनके पारिवारिक जनों को रात्रि विश्राम हेतु निकट भविष्य में एकमात्र विकल्प टनकपुर में बनने वाला सैनिक विश्राम गृह होगा। पहले विश्राम गृह में सीमित कक्ष होने के कारण अधिकांश पूर्व सैनिकों को इधर उधर जाना पड़ता था, होटलों में किराए में कमरे लेने पड़ते थे और इसके बन जाने से उनकी समस्या का समाधान होगा और पूर्व सैनिकों द्वारा बार बार विश्राम गृहों को उच्चीकृत करने हेतु मांग भी की जा रही थी। इसको ध्यान में रखते हुए गोपेश्वर को जहां 270,00,000 और टनकपुर को 341,00,000 की लागत से इनका पूरा निर्माण किया जाएगा। क्योंकि ये दोनों ही विश्राम गृह अति महत्वपूर्ण स्थान पर हैं और जो हमारा प्रदेश है सैनिक बाहुल्य प्रदेश, इस प्रदेश के अंदर और देश के लिए हमारे सैनिकों का जो योगदान है उसको हम सब लोग अच्छी तरह से स्मरण करते हैं और सैनिक बाहुल्य प्रदेश के रूप में, वीर भूमि के रूप में हम सब जाने जाते हैं। मैं आजकल जिस कार्यक्रम में भी जा रहा हूं, अभी दो दिन पहले मैं पुलिस लाइन में गया था जहां पर बैरिक, क्वार्टर गार्ड और प्रशासनिक भवन, इन भवनों का वहां पर मेरे द्वारा उन्होंने शिलान्यास करवाया, वहां पर शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ, तब भी मैंने वहां पर कहा था और आज भी माननीय मंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा, उनके विभागीय जो हमारे सचिव हैं मैं उनसे भी कहूंगा कि जो कार्यदायी संस्था है वो कार्यदायी संस्था उसके निर्माण कार्य पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। अन्यथा होता क्या है कि कई बार हम निर्माण बड़े अच्छे अच्छे कर लेते हैं और बड़े बड़े हो जाते हैं, बाहर से भव्य भी दिखाई देते हैं लेकिन कुछ सालों के बाद उनकी स्थिति खराब हो जाती है। उस समय हम ढूंढते हैं कि कार्यदायी संस्था कौन सी है, कार्यव्यवस्था कहां गई, ठेकेदार कहां चला गया। इसलिए मैं तो यह भी कह रहा हूं कि मैंने कहा है कि अगर कहीं पर डीपीआर को थोड़ा बढ़ाना पड़े, उसमें धनराशि और जोड़नी पड़े तो और जोड़ दीजिए, लेकिन निर्माण कार्य पक्का होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए और लंबे समय तक टिकाऊ होना चाहिए। जहां आज एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना आईएलएसपी के सफल संचालन के उपरांत आईगढ़ के वित्तीय सहयोग से रूरल इंटरप्राइजेज एक्सेलरेशन प्रोजेक्ट ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना को आईगढ़ एवं भारत सरकार द्वारा भी स्वीकृति प्रदान की गई है। भारत सरकार ने इस परियोजना हेतु ग्रामीण संगठनों के उत्पादों को उद्यम के रूप में उत्पादन और बिक्री के लिए उत्तराखंड सरकार को 771 करोड़ रूपये का अनुदान अनुमंडित किया है।
परियोजना के कुल संभावित व्यय 2700 करोड़ में से 771 करोड़ रूपया आईफेड द्वारा ऋण के रूप में 187 करोड़ रूपया राज्य सरकार का अंश व लगभग 1400 करोड़ बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से फाइनेंसिंग द्वारा तथा शेष रूपया 342 करोड़ की धनराशि विभिन्न विभागों से कन्वर्जेंस व लाभार्थियों से जुटाई जाएगी। परियोजनाओं का लक्ष्य हमारी मातृशक्ति का उनकी आय को आय में दुगुनी वृद्धि कर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। यह परियोजना प्रदेश के संपूर्ण 95 विकास खंडों में लागू होगी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को मैं आज इस 100 दिन पूरे होने पर उत्तराखंड की मातृशक्ति को समर्पित करता हूं। सगंध पौधा केंद्र सेलाकुई द्वारा राजकीय उद्यान में 13.5 हेक्टेयर और खतेड़ा चंपावत में दालचीनी बेलपत्ता उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। इस केंद्र के माध्यम से चंपावत नैनीताल और अल्मोड़ा जनपदों के 2500 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सिनामन वैली विकसित होगी, जिससे कि 6850 स्थानीय जो हमारे किसान भाई होंगे वो सीधे सीधे उनको लाभान्वित होने का अवसर मिलेगा। राज्य में विद्यमान मौन पालन के विकास की संभावनाओं को दृष्टिगत प्रत्येक जनपद के न्याय पंचायत स्तर पर एक एक मधुग्राम विकसित कर मौन पालन के माध्यम से कृषकों की आय में वृद्धि एवं बेरोजगार व्यक्तियों को आजीविका के अवसर प्राप्त होंगे। मधुग्राम योजना के अंतर्गत आज जनपद चंपावत में सिप्टी न्याय पंचायत एवं जनपद देहरादून के चामासारी रायपुर का चयन कर उसका क्रियान्वयन किया जाएगा। भाइयों बहनों, क्योंकि आज पूरे प्रदेश में लोग सीधे सीधे आज इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, वैसे हमारे सभी विभागों ने 100 दिन के अपने अपने प्रयास अपने अपने लक्ष्यों को पूरा किया हुआ है। उसके लिए हम लोगों ने क्योंकि एक अन्य कार्यक्रम भी आज यहां पर होना है, उस कार्यक्रम में आज सभी विभागों ने जो 100 दिन में प्रयास किए, क्योंकि 100 दिन कोई बहुत लंबी अवधि नहीं होती है, लेकिन इस दौरान हम लोगों ने एक प्रयास करके आगे बढ़ने का एक संकल्प जो लिया हुआ है, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में उनके मार्गदर्शन में हम लोग लगातार आगे बढ़ने का जो हमारा संकल्प है और उस संकल्प हमारा विकल्प नहीं है, उसको लेकर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आज यहां पर हमारे ग्राम्य विकास विभाग के द्वारा कृषि विभाग के द्वारा एक ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम में बहुत सारी जो उनकी योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के हमने लाभार्थियों को यहां पर आज उनको चाबी लेने का काम उनको प्रमाण पत्र देने का काम आज यहां पर हुआ है और पूरे प्रदेश के अंदर लगातार जो माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना है उनकी कल्पना अनुसार सभी गरीब परिवारों को हम लगातार इस योजना से आच्छादित करने का काम हमारा जारी है। पिछले साल हमने इसी मुख्य सेवक सदन में यहीं पर एक घोषणा भी की थी कि आप जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान मिलेगा उस मकान के साथ हम 5000 रूपये की धनराशि उनके बर्तन इत्यादि खरीदने के लिए दिए जाएंगे, तो वो घोषणा भी कार्यक्रम हमारी चल रही है। अभी हमने सभी विभागों को कहा है और हमारे सभी अधिकारीगण भी यहां पर बैठे हुए हैं कि जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, जब हम राज्य की स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, उस समय हम हर क्षेत्र में हर दृष्टि से एक आदर्श स्थिति में होंगे। उसके लिए हम अपनी कार्य योजना बनाएं, उसके लिए हम अपना रोड मैप बनाएं, उस दिशा में हमारे सारे विभाग काम कर रहे हैं। एक हमने कहा है कि 9 नवम्बर 2025
जो योजनाएं धरातल पर उतर सकती है, उन योजनाओं को हमने संकल्प के रूप में लिया है, उन योजनाओं को हमने प्रयास के रूप में लिया है, उन योजनाओं को हमने समर्पण के रूप में लिया है, उन योजनाओं को हमने आगे वाले विकास के मॉडल के रूप में लिया है। और हमने यह भी कहा कि जो योजनाएं हमारे प्रदेशों जैसे अन्य प्रदेशों में लागू हैं, उन प्रदेशों का भी हम अध्ययन करेंगे। अनेकों अनेक जो बुद्धिजीवी हैं, जो समाज में विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने उत्कृष्टता प्राप्त की है, विशिष्टता प्राप्त की है, अपने अनुभव प्राप्त किए हैं समाज के क्षेत्र में, अनेकों अनेकों क्षेत्रों में जिन्होंने अपने जीवन को लगाया है, उन सभी को साथ में लेकर हम लगातार बोधिसत्व विचारों की श्रृंखला भी आयोजित कर रहे हैं। हमारा नियोजन विभाग भी इससे जुड़ा हुआ है और सबके विचार लेकर, सबके विचारों के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। और इस जो बोधिसत्व विचारों की श्रृंखला है, इस श्रृंखला में हमने कोशिश करी है, भारत सरकार के जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे उन्होंने भी दो तीन कार्यक्रमों में इसमें हमारे साथ भाग लिया था। इसके अलावा भारत सरकार में काम करने वाले बहुत सारे हमारे वैज्ञानिक है, सलाहकार है, विभिन्न विभिन्न पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले पर्यावरणविद हैं, समाज के क्षेत्र में काम करने वाले, ऐसे तमाम क्षेत्रों में जिन्होंने जो शिक्षा के क्षेत्र में है, चिकित्सा के क्षेत्र में है, हमारे अनुसंधान के क्षेत्र में, उन सबको साथ में लेकर हम एक कार्ययोजना बना रहे हैं। और उस कार्ययोजना के आधार पर हम कैसे हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बन सकते हैं, उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि हम माननीय प्रधानमंत्री जी का, जैसा अभी गणेश जोशी जी कह रहे थे, कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन जब भी मैं देखता हूं देश के अंदर, आज जब से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे चल रहा है 2014 के बाद, देश के अंदर एक कार्य व्यवहार, एक कार्य संस्कृति आई है, एक वर्क कल्चर पैदा हुआ है। और उस वर्क कल्चर को पूरा देश ही नहीं, आज पूरी दुनिया उसको अडॉप्ट करने की तरफ बढ़ रही है, जिसमें मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। उसी के आधार पर किसी के साथ कहीं पर भी तुष्टिकरण नहीं किया गया है। सबको देखे, उज्ज्वला योजना देश के अंदर लागू हुई, सभी को गैस देने का काम हुआ, गैस के सिलेंडर देने का काम हुआ, गैस का चूल्हा उनके घरों तक पहुंचा और देश के अंदर 9 करोड़ माताओं बहनों के आंसुओं को पोंछने का काम किसी ने किया तो भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी जी ने किया। देश के अंदर गरीबों को मकान देने का काम हो, या देश के अंदर लोगों को रोजगार से जुड़ने की बात हो, या समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक शासन सुविधाएं पहुंचाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। आज आयुष्मान भारत जैसी योजना, जिस योजना के माध्यम से आज लाखों लोगों को, उत्तराखंड के अंदर हमें 5 लाख लोग इससे लाभान्वित हो चुके हैं। आयुष्मान भारत योजना केवल हिंदुस्तान की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। इस योजना ने एक गारंटी सुनिश्चित की, हमको एक तरह से सुरक्षा कवच प्रदान करने का काम कि 5 लाख रूपये तक का अगर आपको साल भर के अंदर किसी व्यक्ति को करवाना होगा तो उसका इलाज मुफ्त में होगा। और लगातार ये योजना हमारी, हम और इसको व्यवहारिक रूप से नीचे तक पहुंचे, लोगों के लिए सीधे उनको सीधे सीधे लाभ देने का काम करें, जरूरतमंद को उसका स्वास्थ्य ठीक करने के लिए कोई भी अस्पताल कहीं पर हिलावारी न करे, उस दिशा में भी हम लगातार काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, अभी अभी वैक्सीनेशन का काम हुआ, पूरे प्रदेश के अंदर मैं स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों को, सभी चिकित्सकों को, फार्मासिस्टों को, वार्ड बॉय, नर्सिंग, जितने भी हेल्थ वर्कर हैं, उन सभी को मैं बधाई देता हूं, उन सबका मैं अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने और उनके साथ हमारे अन्य विभागों ने मिलकर हमारे दूरस्थ से दूरस्थ क्षेत्रों में जाकर वैक्सीनेशन का, सफल टीकाकरण का अभियान जो है पूरा करने का काम किया है। और जहां इतना कठिन हमारी भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उस भौगोलिक परिस्थितियों में भी 100% वैक्सीनेशन का काम पूरा हो गया है। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब वैश्विक महामारी आई देश के अंदर, उस महामारी के समय में बहुत सारे परिवार ऐसे थे कि उनको पता नहीं था कि उनके आगे के 2 दिन की रोटी कैसे मिलेगी, उनके घर का चूल्हा कैसे जलेगा जब आना नहीं होगा। उसको दूर करने का काम भी
माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर हुआ। आज 80 करोड़ लोगों को लगातार प्रत्येक मिनट 5 किलो राशन के हिसाब से राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। हर किसी के घर में राशन पहुंचे इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करी जा रही है। सितंबर माह तक ये योजना आगे विस्तारित की गई है। भाई बहनों, हमने भी ये संकल्प लिया, संकल्प के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने संकल्प किया था 12 जनवरी 2022 को चुनाव से ठीक पहले। अभी कुछ बुद्धिजीवी पूछ रहे थे कि प्रदेश के अंदर समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी तो अशांति पैदा हो जाएगी। मुझे उनकी बात पर, क्योंकि बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, बड़े विचारक हैं, मैंने कहा कि ये जो कानून हम लागू करने जा रहे हैं, समान नागरिक संहिता का कानून, ये उत्तराखंड की जनता का मैंडेट है, जो उन्होंने हमें जनादेश दिया है कि उत्तराखंड के अंदर एक कानून लागू होना है, इसलिए हम इसको लागू कर रहे हैं। क्योंकि चुनाव से ठीक पहले, चुनाव से ठीक 2 दिन पहले हमने घोषणा करी थी, संकल्प लिया था कि प्रदेश के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार बनती है, नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहले मंत्रिमंडल की बैठक में इसके ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी की हम घोषणा करेंगे। उसको हमने सर्वसम्मति से पारित कर दिया और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने 5 सदस्यों की, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की कमेटी बना दी है और ये कमेटी सभी हितधारकों से बात करेगी, हम सबसे बात करेंगे। और मैं कमेटी से अनुरोध करूंगा कि जैसे हमने बजट से पूर्व हमने संवाद किया था, एक संवाद हमने देहरादून में किया था, एक संवाद हमने नैनीताल में किया था, उसी प्रकार से हमारी ये कमेटी भी सभी लोगों से संवाद करे, आम जनता के बीच में जाए, सामान्य जनता के बीच में जाए और एक अपना नंबर जारी करे, एक अपना वेबसाइट जारी करे, उस वेबसाइट के माध्यम से लोगों के विचार लेकर सबके विचारों के आधार पर कमेटी एक ड्राफ्ट बनाएगी और सर्वसम्मति से जो ड्राफ्ट बनकर तैयार होगा उत्तराखंड की सरकार उसको उत्तराखंड के अंदर लागू करेगी। उस दिशा में हम आगे भाइयों बहनों, हमने चुनाव से पहले कहा था कि उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड के अंदर प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना में रहता है, कोई न कोई सेना में, किसी का बेटा सेना में है, किसी की बेटी सेना में है, कोई किसी के चाचा है, किसी के ताऊ है, मामा है, भांजा है, कोई सैनिक सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में, दो दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हमारे राज्य से लगी हुई है। धर्म, अध्यात्म और संस्कृति का केंद्र किसी को कहते हैं तो हमारी देवभूमि उत्तराखंड को कहते हैं। इसलिए देवभूमि उत्तराखंड के अंदर सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, सबके लिए एक समान नीति होनी चाहिए, किसी के साथ कोई अन्याय की बात नहीं होनी चाहिए, किसी का तुष्टिकरण नहीं होना चाहिए, हम हमेशा न्याय की बात करते हैं। तो हमने कहा है कि हम ये कानून लागू करेंगे और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के जनादेश के अनुरूप जो उन्होंने हमको इस बार प्रचंड बहुमत दिया, इस बार उन्होंने एक मिथक तोड़ने का काम किया, उत्तराखंड की जनता ने एक इतिहास बनाने का काम किया जिसमें बड़े बड़े हमारे जो मैं कहूँ भविष्यवाणी करने वाले राजनीतिक पंडित, क्या कहते हैं राजनीतिक पंडित, विशेषज्ञ, राजनीतिक पंडित, एनालिसिस करने वाले बहुत सारे लोग, उनके मन में ये विचार था कि हर चुनाव में एक बार इस पार्टी की सरकार बनती है, एक बार दूसरी पार्टी की, 4 चुनाव में यही हुआ, 1 चुनाव में उस पार्टी की सरकार, इस बार उस पार्टी की चुनाव। इस बार भी बहुत लोगों को था क्योंकि हमारी सरकार थी, सबको लगता था दूसरी पार्टी की सरकार आ जाएगी, लेकिन मैं दोनों हाथ जोड़कर उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को नमन करता हूं कि उन्होंने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यक्रमों पर, उनके विकास पर और उत्तराखंड के साथ जो उत्तराखंड में उन्होंने काम किया है उन कामों पर और जो जन जन की सेवा का संकल्प दिया है उस पर मोहर लगाने का काम किया, अपना आशीर्वाद दिया और प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। भाइयों बहनों, हमने ये संकल्प लिया था कि हम 3 सिलेंडर 1 साल के अंदर, जो हमारे अंत्योदय के कार्ड धारक हैं जिनकी संख्या 1,85,000 है, उन सभी को हम मुफ्त में गैस का सिलेंडर देने का काम हमारी सरकार करेगी। मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि हमने उसका शासनादेश कर दिया है, उसमें हमने इस आम बजट में बजट की व्यवस्था भी कर दी है और हम जल्दी ही ये योजना जनता को समर्पित करने वाले हैं। इसी प्रकार से
वृद्धावस्था पेंशन है, विकलांग पेंशन है, विधवावस्था पेंशन है, इन पेंशनों की राशि भी हमने बढ़ाई है, 1500 रूपया किया है। पहले परिवार में एक दो बुजुर्ग दंपत्ति होते थे, दोनों में से एक को पेंशन मिलती थी, एक को नहीं मिलती थी, तो कई बार आपस में उनका मनमुटाव भी हो जाता था, झगड़ा भी हो जाता था। हमने उसको भी उसका भी समाधान निकाला है कि हम बुजुर्ग दंपत्तियों में आपस में कोई झगड़ा नहीं होगा, दोनों को हमने पेंशन देने का निर्णय किया है। इसके साथ साथ जो हमारे पर्यावरण मित्र हैं, पर्यावरण मित्रों को 500 रूपये प्रत्येक दिन का हमने मानदेय जो है देने का निर्णय किया, हमारी सरकार ने उस पर भी शासनादेश निकाल दिया। ऐसे अनेकों कार्य भ्रष्टाचार को लेकर हम पहले दिन से कह रहे हैं कि हम पारदर्शी सरकार उत्तराखंड के अंदर देना चाहते हैं। छोटे छोटे दफ्तरों में ठीक समय पर काम हो, ठीक समय पर हमारे अधिकारीगण जाए, कर्मचारीगण जाए, उसकी हम व्यवस्था कर रहे हैं। कहीं पर भी किसी कार्यालय में, किसी आसपास में कोई काम करने में कोई हीलावाली हो रही है, कोई लेट लतीफी हो रही है, कहीं रिश्वत मांगी जा रही है, तो हमने कहा है कि सीधे हमने 1064 एक नंबर लॉन्च किया हुआ है, उस नंबर पर सूचना देने के लिए हम उसको और अधिक सशक्त बनाने वाले हैं। नंबर लॉन्च करने के बाद अभी कुछ मामलों में हमने कार्रवाई की है, हमने कहा है कि जो भी उस पर सूचना देने वाला है उसका नाम भी पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा, उसका नाम नहीं बताया जाएगा और हमारी जो टीम है वो टीम उस पर सीधे कार्रवाई करेगी। ऐसे अनेकों कार्य के हमारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण, सरलीकरण, समाधान और निस्तारण जो मंत्र है उस मंत्र के आधार पर राज्य की जनता की सेवा करें और राज्य की जनता को समर्पित रहें। जनता के मन में भाव आना चाहिए, जैसे देश के अंदर एक वर्क कल्चर पैदा हो रहा है, वर्क कल्चर पैदा हुआ है, वर्क कल्चर लागू हुआ है कि लोगों के काम धीरे धीरे अब किसी सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी को लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा आने वाले समय में। इस प्रकार की हम लोग व्यवस्था चाहते हैं, इसलिए हमने सभी विभागों से कहा है कि 2025 आने तक अगले तीन साल में मानता हूं क्योंकि एक महीना दो महीना बरसात का समय है, अगले 3 महीनों में सभी विभाग अपने अपने विभागों का एक रोड मैप बनाने का काम करें और उस रोड मैप के आधार पर कि बेस्ट प्रैक्टिस क्या हो सकती है, सबसे अच्छा क्या हो सकता है। हम जब दूसरे प्रदेशों में जाएं तो वहां हम कहें कि हमारे यहां पर जैसा अभी हमारे कृषि मंत्री जी जोशी जी कह रहे थे कि फलों के क्षेत्र में काम हो रहा है, कीवी मिशन में काम हो रहा है, उद्यान के क्षेत्र में काम हो रहा है, अनेकों क्षेत्रों में अनेकों में सभी विभागों से अपने माननीय मंत्रीगण हमारे सभी कामों पर लगे हुए हैं। मैं उनसे भी अनुरोध कर रहा हूं कि अपने अपने विभागों में हम उनसे किस प्रकार की अपेक्षा हमारे उत्तराखंड की जनता चाहती है, उत्तराखंड की जनता के अनुरूप वो अपनी नीतियां अपने कार्यक्रम बनाए। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को बहुत धन्यवाद करते हुए, क्योंकि काफी लंबा कार्यक्रम हो गया और आपके समर्थन से हमने एक दृष्टि पत्र भी बनाया जिसमें तीव्र गति से जो कार्य कर रहे हैं और बीते 100 दिनों के अंदर जो हमने कई फैसले लिए हैं, विकसित उत्तराखंड हमारा विकल्प ही संकल्प है और इसकी सिद्धि के लिए हम काम कर रहे हैं। उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास हमारी नियति है और स्पष्ट हमारी नीतियां भी है। ऐसे हम अनेकों कार्य देव स्थानों को और अच्छा किया जाए, जहां माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केदार बाबा का पुनर्निर्माण का काम बहुत दिनों से चल रहा है, उसी प्रकार से बद्रीनाथ जी का मास्टर प्लान तैयार होकर उस पर काम शुरू हो गया है। अभी हमने मानस खंड मंदिरमाला मिशन उसको भी भारत सरकार ने प्रेषित किया है, जल्दी ही उस पर भी कार्य होगा। भारतमाला प्रोजेक्ट में जहां सड़कों को एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाने का काम किया जा रहा है, दूर से दूर क्षेत्रों को ले जाने जोड़ने का काम हो रहा है, ऑल वेदर रोड है लगातार उस पर काम चल रहा है, जहां ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन पर काम चल रहा है, उसी प्रकार से जहां हमारा आज एम्स ऋषिकेश का हजारों लोगों को रोज ओपीडी के माध्यम से अपनी सेवा देने का काम कर रहा है, दूसरा भी हमारे जहां के हमारे विधायक शुक्ला जी है इनके क्षेत्र में यहां पर एम्स का दूसरा सेंटर भी जो है वहां पर उसका भी शिलान्यास हो गया है, उसकी भूमि को हमने हस्तांतरित कर दिया है, जल्दी जो है वहां पर भी निर्माण कार्य होगा जो उत्तराखंड की एम्स की जनता को समर्पित होगा। हमारे युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए हम जो हमारी
तमाम स्कीमें जो चल रही हैं, इसमें मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री नैनो योजना, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की जो पर्यटन के क्षेत्र में चलने वाली योजनाएं, अन्य क्षेत्रों में चलने वाली, उन सभी को ठीक प्रकार से धरातल पर उतरे, ठीक प्रकार से उन सभी पर काम हो, उसके लिए हम लोग और ठोस रणनीति के आधार पर काम करने वाले हैं। मैं आज के अवसर पर आप सभी लोगों का बहुत दिल की गहराइयों से और उत्तराखंड की देवप्रिय जनता को बहुत उनको ये 100 दिन समर्पित करते हुए आगे का एक एक पल और एक एक क्षण उत्तराखंड की देवप्रिय जनता को समर्पित होगा। उत्तराखंड के 1,25,00,000 भाई बहनों के लिए समर्पित होकर हमारी सरकार काम करेगी और हम संकल्प लेते हैं कि हम सब उत्तराखंडवासी एक साथ कदम से कदम मिलाते हुए ये यात्रा, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये यात्रा क्यों मेरी यात्रा नहीं है, मेरी निजी यात्रा नहीं है, नहीं मंच पर बैठे हुए हमारे गणेश जोशी जी हैं, धन सिंह रावत जी हैं, रेखा आर्य जी, चमोली जी हैं, हमारे जो है ताऊ भाई हैं, हमारे विधायकगण बैठे हैं, इतने लोगों की भी ये यात्रा नहीं है, ये यात्रा हमारे पूरे उत्तराखंड के 1,25,00,000 भाई बहनों की यात्रा है। उस यात्रा को हम सभी लोगों ने मिलकर गंतव्य तक पहुंचाना है और हम लोग आप सब लोगों का जो आशीर्वाद समर्थन उत्तराखंड की देवप्रिय जनता ने दिया है उसको निश्चित रूप से परिणति तक, संकल्प सिद्धि तक ले जाने का काम करेंगे। पुनः आपके अवसर पर आप सभी का धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसे ही रोचक वीडियो और खबरें सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।